हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, इनके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज कैसे प्रोसीड हो रही हैं, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। Please do subscribe to this channel and also hit the bell notifications. Okay, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, डॉलर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी को चैनल कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी लाइफ में जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए या फिर एक जो एक्साइटमेंट चाहिए वो एक्साइटमेंट मिसिंग है। और शायद यही वजह है कि ये एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हैं, क्योंकि इनसे कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं। हो सकता है आप इनसे वॉक अवे होते जा रहे हो या फिर इनके लाइफ का एक जो लाइक एडवेंचरस साइड है वो इनकी लाइफ से मिस आउट होने लग रहा है, और ये उन सारी चीज़ों पर अपना शायद होल्ड बना नहीं पा रहे हैं। सारी चीज़ों को एक साथ लेकर शायद ये नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हें एक अंदाज़ा है कि बहुत कुछ ये खो बैठेंगे। तो मे बी शायद इन्होंने आइदर किन्हीं डिसीजंस के चलते या फिर किन्हीं प्लानिंग्स के चलते ये सोच लिया है कि एक सिचुएशन इन्हें एंड करना पड़ेगा दूसरे सिचुएशन को परसू करने के लिए। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। हो सकता है इन्हें कुछ इनके हायर सेल्फ की तरफ से डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इन्हें यूनिवर्स कुछ साइंस शो कर रहा है। मैं कह सकती हूँ ना, सबकॉन्शियस वेज पर जाकर ये बहुत सारी चीज़ों को एक अलग लेवल से अलग वेज में समझ पा रहे हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। डीप नोइंग के चलते इन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस, और इनकी कुछ डिज़ायर्स होंगी जिसे ये परस्यू करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। एक तरह की होप में बने हुए हैं कि इनके साथ जो भी अभी एक मैटर डगमगा सा गया है, जो बिखर सा गया है, जहाँ पर इन्हें एक फियर है कि बहुत कुछ लूज आउट कर जाएंगे, एक पेन अगर इन्हें महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ इनकी लाइफ में एट दिस टाइम चल रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहे, तो शायद यही वजह है कि ये आइदर इस बात को किसी के साथ डिस्कस करेंगे या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये आपसे आकर कुछ बातें शायद डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन है तब भी ये आपकी तरफ हो सकता है टेलीपैथिक लेवल्स पर कुछ मैसेजेस इस तरह से सेंड करेंगे। आइदर दे आर बाइंग सम काइंड ऑफ अ टाइम, मतलब आपसे कुछ टाइम ये बाय करना चाहेंगे, जहाँ पर ये आपसे ये बता सकें कि मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सारी चीज़ों को फिगर आउट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि मैं इवेंचुअली अपनी डिज़ायर की तरफ बढ़ सकूँ। मतलब इनकी भी डिज़ायर हो आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इन्हें डिज़ायर करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपको डिज़ायर करते हैं। और इन्हें एक तरह का डर ऐसा होगा कि ये आपको खोने से डर रहे हैं। मतलब इन्हें शायद एक इंट्यूशन ऐसा आ रहा होगा कि अगर ये वक्त रहते कोई एक एक्शन नहीं रखते हैं, कोई एक प्लानिंग ये नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, तब इनके साथ चीज़ें बहुत सारे लेवल्स पर मेस्ड अप हो जाएंगी, और ये फियर इनके लिए काफ़ी है टू टेक सम एक्शन। तो शायद यही वजह है कि ये आइदर कुछ आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, भले ही एक स्मॉल लेवल पर क्यों ना हो, शुरुआत ये करना चाहते हैं कि चलो अभी फ़िलहाल के लिए मैं मेरे पर्सन की तरफ इतना प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि एक वो जो म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज है वो बना रहे। मतलब ऐसा होगा ना, आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन होती है तो वो इनके लाइफ में भी एक पेस बना रहता है, ये भी अपनी लाइफ को ब्यूटिफुली परस्यू कर रहे होते हैं।
लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी इनसे छिन जाती है, विड्रॉ हो जाती है, आप फिर खुद आप इनसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हो, तो ये एक फियर में चले जाते हैं कि कहीं ये आपको खो ना बैठे। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अपने अगर करियर को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली आगे बढ़ा रहे हैं, करियर पर बने हुए हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इनके करियर फ्रंट पर स्पेंड होती है, तो अभी नहीं लगने लगा है कि इनका इमोशनल फ्रंट जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स्ड हो जाएगा। और इनकी लाइफ में जो एक एक्साइटमेंट बना हुआ है, एक जो खुशी है, एक जो उम्मीद है, एक जो यू नो एक जो डिज़ायर है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम के बाद इन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि इन्हें यूनिवर्स ने आपको मतलब एक ट्रेजर की तरह इनकी लाइफ में दिया है। फाइन, अब ये इस ट्रेजर को मिस आउट तो करना नहीं चाहेंगे। मतलब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर भी बने होंगे, और बहुत सारी चीज़ों को ये डीपली समझते हैं। अगर इन्होंने एक एनालाइजेशन यहाँ पर रखी हुई है कि इनके साथ क्या क्या हुआ है इस समय, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ में आना ये डेस्टाइन था, आपका इनकी लाइफ में एक एनर्जी इन्वेस्ट करना भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल था, और आप जब अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करके इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इनके लिए बहुत ही ग्रेट डील है, और ये इस चीज़ को शायद हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये समझ रहे हैं इस बात को, तो ये एक सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सिचुएशन इनकी थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई मैटर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई लिटरल पर्सन हो। बहुत लोगों के लिए ये एक फैमिली मैटर हो सकता है, या फिर जो अदर लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल इशू हो सकता है। तो आपको बेटर पता है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये अपने उस पर्टिकुलर से जोन को कुछ टाइम के लिए एक हाल्ट में पहुंचाना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं वहाँ पर, ताकि अपने इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ वर्क कर सकें, और आपकी तरफ ये कुछ ऐसा प्रेजेंट कर सकें जहाँ से ये आपको एटलीस्ट कम बैक करा सकें। आपकी एनर्जी इनको मिलती रहनी चाहिए। अगर इस तरह की थिंकिंग आपके पर्सन रख रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ से गायब हो जाना इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, तो ज़रूर ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक तरह के अलाइनमेंट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फादर ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक जो चीज़ है ऐसी होगी ना गाइज, कि आपने इनकी तरफ अपना प्यार तो ज़रूर जाहिर किया है, बट एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ के किसी एरिया पर वर्क करना चाहते हो। आपने इनसे एक विड्रॉल ज़रूर रखा है। वजह ऐसी होगी कि आप इनकी लॉयल्टी देखना चाहते हो, आप इनका पैशन देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये आपको कितना मिस करते हैं, मतलब इनके मन में क्या है शायद ये आप जानना चाहते हो, और बहुत ही क्यूरियस हो आप कि अगर आपने ये स्टेप उठाया है, अगर आपने इन्हें एक ऐसे लिम्बो में छोड़ दिया है जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नहीं दिए हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर क्लियर कम्युनिकेशंस के चलते भी अगर आपने अपनी बात इनके सामने रख दी है, तो आपका मकसद यही होगा कि आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन की लाइफ में आप कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो, और इस तरह से आपने इन्हें एक ट्रैप में छोड़ दिया है कि आप खुद सोचो, कि आप खुद डिसाइड करो कि एट दिस टाइम आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए मायने रखती है, आप फिगर आउट करो। इसीलिए शायद आपने इन्हें इंट्यूशनल लेवल पर सेट कर दिया होगा, मतलब 5D लेवल हम जिसको कहेंगे, कि आप सारी चीज़ों को इंट्यूशनली अंडरस्टैंड करो कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपके पर्सन की हमने देखी थी, तो ऑफकोर्स आप
आपके पर्सन को आपने ये बता दिया होगा कि आप अपने दिल की सुनो कि आपका दिल क्या कहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, आपको प्लान करना है कि आप फ्यूचर में क्या प्रेजेंट कर सकते हो मेरी तरफ, या फिर इस कनेक्शन के लिए आपने क्या फ्यूचर प्लान किया है। ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन को रियलाइज करवाना चाहते हो, उस डायरेक्शन की तरफ पुश करना चाहते हो कि क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्या मैं सच में आपके लिए मायने रखती हूँ या रखता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आपने इनकी तरफ हो सकता है आइदर कम्युनिकेशन के थ्रू प्रेजेंट की है, या फिर आपने जेस्चर वाइज इनकी तरफ प्रेजेंट किया है। और बहुत लोग यहाँ पर इवन अगर टेलीपैथिक लेवल्स पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो शायद आपने इनकी तरफ डाउनलोड्स कुछ ऐसे भेज दिए हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आप अपने बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फर्म हो कि आपको यही चाहिए और इसी तरह से चाहिए, वरना आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो आपने खींच लिया है। आप एनर्जी शायद इनकी तरफ प्रेजेंट नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एक सॉलिट्यूड में चले गए होंगे। अगर आप प्रेजेंट भी कर रहे हो, कम्युनिकेशंस रख भी रहे हो, तो बहुत ही लीस्ट वेज में रख रहे होंगे, जहां पर आप इन्हें सिर्फ और सिर्फ एहसास दिला रहे हो कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें इस पर्टिकुलर से कनेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। अगर बचाना है इस रिश्ते को तो आपको किन सारी चीज़ों को चेंज करना होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आना होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने पर्सन से शायद टेलीपैथिकली डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर इन्हें समझाने की आप कोशिश कर रहे हो कि इन्हें क्या करना चाहिए। और हो सकता है अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों का एक कनेक्ट था तो आपने उस कनेक्शन को कुछ टाइम के लिए हाल्ट पर डाल दिया होगा, मतलब आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। शायद आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द फार, आप इन्हें देखना चाहते हो कि इनका क्या एक्शन आता है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स या जितने भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पर बने हुए हैं, वो लोग 100% यहाँ पर अपने पर्सन को एक तरह के क्वेश्चन या फिर एक तरह की ऐसी सिचुएशन में छोड़कर आप चले गए हो या गायब हो गए हो कि ये आपकी वर्थ को समझ सके, मतलब आप अपनी वर्थ इन्हें दिखाना चाहते हो, अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हो कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और ये ब्यूटिफुली आपके पर्सन की तरफ कन्वे भी हो रहा है गाइस कि सच में ये आपकी एक ट्रू वर्थ जानते हैं, आपकी वैल्यू जानते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, और आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए ऑब्स्टिकल्स फिर भी बने हुए हैं, टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स, यानी कि मतलब आपने इनकी तरफ हो सकता है आइदर एक फ्रेंडशिप ऑफर की होगी कि अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए तो आपको आइदर कमिटमेंट रखना पड़ेगा, या फिर कोई आपने एक फर्म फाउंडेशन यहाँ पर रखनी होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना आप एक फ्रेंडशिप के लिए भी इनके लिए सेटल हो सकते हो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ फ्रेंडशिप ऑफर करना चाहते हो, इससे ज़्यादा शायद आप कुछ ऑफर नहीं करना चाहते, जिसके वजह से आपके पर्सन इस चीज़ को एक ऑब्स्टिकल मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए रेडी नहीं है, इन्हें आपके साथ एक वो ब्यूटीफुल सा लव कनेक्शन चाहिए। तो इनके लिए एक मेन ऑब्स्टिकल यही है कि ये किसी तरह का कैजुअल कनेक्शन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि एक जो रोमांटिक एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच में बना हुआ था वही बना रहे, और ये फ्रेंडशिप्स के लिए या फिर लेस देन अ रोमांटिक कनेक्शन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ये आपसे वो एक रोमांटिक कनेक्शन ही चाहते हैं। तो ये इनके लिए अभी फ़िलहाल के लिए ऑब्स्टिकल बन गया है, और अगर इन्हें डिसाइड करना है यहाँ पर कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए आपके साथ एग्री हो सकेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि अपनी किसी सिचुएशन को ये एंड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर कि ये आपसे दूर जाएं, यू नो आपसे दूर जाना बिल्कुल नहीं चाहते, ये हो सकता है कहीं एडजस्टमेंट्स करना चाहेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे, अपनी इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ अपने किन्हीं फैसलों को ये बदलना चाहेंगे, क्योंकि
आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज या फिर इनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या हो सकता है ये देखते हैं गाइस। फाइव ऑफ कप्स द एम्प्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट द टावर एंड सन ऑफ कप्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत लोग एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से, एक एक रोमांटिक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपकी तरफ अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तब भी आप इनकी तरफ से वो एक एक्सप्रेशन ऑफ लव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर बहुत लोगों के लिए ये एक कमिटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप इनसे वॉक अवे होते जा रहे हो, आप इनसे दूर होते जा रहे हो, और ये आपको लूज आउट कर जाएंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी ये खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप इनके लिए 100% यूनिवर्स की तरफ से दी गई एक अपॉर्चुनिटी हो, एक रिवॉर्ड हो, एक गिफ्ट हो, और इनके लिए एक रियलाइजेशन ज़रूर आने वाली है, जैसे कि कुछ इनके लाइफ में इस तरह से शिफ्ट होगा जहाँ पर ये खुद को जस्टिस देना चाहेंगे। मतलब जस्टिस का मतलब यहाँ पर यही है कि खुद को वो मौका दिया जाए कि मैं अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क कर सकूँ। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन होंगे और ये कभी खुद को अलाउ नहीं करते होंगे कि अपनी डिज़ायर की तरफ ये वर्क कर सकें। ये हमेशा पुश करते आए हैं, लिमिट्स को पुश करते आए हैं, और एक इंतज़ार जो है ये बढ़ाते आए हैं खुद के लिए भी और आपके लिए भी। तो ये अब और इंतज़ार नहीं करना चाहेंगे, कुछ तो सडनली इनके लाइफ में चेंज होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, कुछ चीज़ें इनके लाइफ में इस तरह से टर्न आउट करेंगी जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक बोझ सेंस करेंगे, ओवरवेलमिंग एनर्जी सेंस करेंगे, आपकी दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें आपकी तरफ कुछ तो प्रेजेंट करना होगा। और मुझे लगता है यहाँ पर आपके पर्सन एक लव ऑफर या लव कमिटमेंट आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं बहुत लोगों के लिए। और राइट गाइज, तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या हिंट या क्लू देना चाहता है, इन सारी एनर्जीज का एक ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखना चाहें तो वो क्या हो सकता है, तो देखते हैं गाइज। तो यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जीज आई हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन होगा, एक ऐसा मैग्नेटिक पुल होगा कि आपके पर्सन इस अट्रैक्शन को या फिर इस मैग्नेटिक पुल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मतलब दे आर रियली वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, और जब इनको पता चल रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो, क्योंकि आपने कुछ बाउंड्रीज इनकी तरफ रखी होंगी गाइस, बहुत सारी फेमिनिन्स, तो आपने कुछ बाउंड्रीज या सेट पैटर्न्स आपने इनके लिए तय किए हुए हैं कि इसी तरह से चीज़ें होंगी, और आप मोरोवर यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप इनके लिए ऑफर रखना चाहते हो, जो कि आपके पर्सन को बिल्कुल शायद मंजूर नहीं है, क्योंकि ये आपके तरफ हाईली हाईली अट्रैक्टेड हैं, और ये जो अट्रैक्शन है ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते इन्हें आपकी तरफ कोई एक ऑफर या कमिटमेंट लेकर आना ही होगा। तो बहुत लोगों के लिए ये एक आपके पर्सन के लिए ट्रिगर हो सकता है, अगर आपने इनसे वॉक अवे किया है और कुछ बातें आपने इस तरह से कही हैं कि आप वॉक अवे हो रहे हो, आप चले जा रहे हो क्योंकि आपको कुछ फर्म वेज में चाहिए, तो आपके पर्सन के लिए 100% ये ट्रिगर है, क्योंकि ये आपकी तरफ से वो एक मैग्नेटिक पुल को हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो भी आपने कंडीशंस या शर्तें रखी हैं उन्हें, उन सारी कंडीशंस या शर्तों को एक्सेप्ट करना ही होगा इवेंचुअली। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ये जो रिश्ता है वो एक पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ है वहाँ पर, एक ग्रोथ देख सकते हो, कुछ तो इस तरह से शिफ्ट होगा कि आप के और इनके बीच में जो भी एक रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर जाने वाला है। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।